मान, माँ का सम्मान या अपनी जिंदगी से ज्यादा वैल्यू के साथ आप समझिए। मैं इस देश में कभी भी, कभी माँ को बांझ, कभी सती, कभी विधवा, कभी किसी न किसी दकियानुषी पर्व के कारण सहने की प्रवृत्ति, खाली पैर, नंगे पैर माँ ही चले, ढला माँ ही उठाए, हर तरह के आडंबर कर्मकांड के बीच माँ को, बहनों को, बेटियों को हमेशा से उन्हें यह एहसास कराना कि पुरुष प्रधान है, माँ और बेटियों का कर्तव्य ही सिर्फ इतना ही रह गया। फिर जिस तरीके से भ्रूण हत्या और दहेज के लोभियों के द्वारा जलाना और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न देखने वाला देश बन गया और उसमें भी बिहार सबसे ज्यादा पोर्न और कोरेक्स ड्रग्स जैसी चीजों को लेकर अपने दियाद में भी बेटियों का सम्मान न करते हुए नजरिया बदल लेना, पड़ोसी की बेटी को, बहन को अपनी बेटी बहन नहीं मानना और लगातार बलात्कार की घटना, मानव तस्करी बेटियों का, जैसे मुजफ्फरपुर में लगभग इस बीच में 40 बेटियों का गायब होना, लगभग 700-800 बेटी 3 महीने में गायब है। मैं इसको क्या मानूं? क्या ये रक्षाबंधन के त्योहार को हम हृदय से करते हैं? मेरी घर की बेटी बेटी, मेरी बहन बहन, पड़ोसी की बहन को हमें कठोर कानून के साथ साथ सामाजिक चीजों को समझना पड़ेगा। समाज में हमें एक वातावरण बनाना पड़ेगा बेटियों के सम्मान के लिए। रक्षाबंधन की पवित्रता तभी बचेगी जब हम इस देश के निर्भया के पहले, निर्भया के बाद, आज तक लाखों करोड़ों बेटियों का अपमान और लगातार सामाजिक और पारिवारिक कारणों से बलि चढ़ना या कहीं से भी हम इसको पवित्र त्योहार मणिपुर की घटना के बाद समाज की विकृत मानसिकता हमें यह मजबूर करता है कि क्या हम सही माने में हृदय से, सत्कर्म से बहनों का सम्मान कर रहे हैं। एक दूसरा चीज जो मैंने कहा कि आज आत्मा स्थापना दिवस अन्य पार्टियों की तरह नहीं, जन अधिकार पार्टी, तो पहले मैंने बहुत बड़ी भूल की कि पहले ही भासोलोपा से लेके परसप्पा और सप्पा का विलय, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। 8 साल कभी 1.5%, कभी 2.5% वोट लाकर हम अपनी मुकाम की ओर नहीं पहुंच पाए, लेकिन बड़े और छोटे दलों के बीच सबसे ज्यादा 13.5 करोड़ लोगों की आवाज, उसकी परछाई की तरह उसके साथ खड़ा रहना, हर तरह के संकट दुख, हर तरह के सामाजिक क्राइसिस के बीच जब कभी नेचुरल मानवीय आपदा आई हो या नेचुरल आपदा आया हो, हमेशा पार्टी के एक एक साथी और वर्कर सड़कों पर लाठी खाया, पान न पान की डंटी की तरह हर लोगों की सेवा करने का प्रयास हमारे साथियों ने किया है। हम आज संघर्ष दिवस के रूप में न्याय, मदद और सेवा के रूप में इस 8वें साल को मना रहे हैं। लगातार कभी कठियार गोलीकांड, कभी डालमिया नगर के इतिहास को बचाना, उस चमन को बचाने के लिए सड़कों पर, मुजफ्फरपुर में बेटी और माफियाओं के खिलाफ लगातार सड़कों पर, मोतिहारी में, फिर कल समस्तीपुर, लगातार कोरोना से लेके बार और हर घटना में जिस तरीके से पार्टी ने आम आदमी की आवाज के साथ अपने कर्तव्यों के पथ पर ईमानदारी के साथ चला, भले हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के बावजूद जाति, धर्म, मजहब के बीच में हम नहीं अपने को उस मुकाम पर ले आ पाए हैं, लेकिन सत्य का में देर होती है, अंधेर नहीं होता।
और बहुत मजबूती के साथ, बहुत संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 24, 25, 29 निश्चित रूप से बिहार के बारे में जो आम आदमी की सोच है कि बिहार भारत का नंबर वन कैसे होगा, बिहार एजुकेशन, हेल्थ, वर्क, जस्टिस, ये जो सोच है कि सबको समान एजुकेशन और स्वास्थ्य की और मजबूती के साथ काम करने की, जस्टिस की, और आम आदमी पर नफरत का आधार ना हो, उस पर हम संकल्पित हैं। सेवा और संघर्ष, मदद, इंसानियत, बिना किसी जाति धर्म के हमारी पार्टी कंप्लीट रूप से हर साथी नीचे से ऊपर तक, पार्टी के सभी नेताओं ने जिस निष्ठा के साथ पदाधिकारियों ने काम किया है उसको मैं आज बधाई देता हूं। और बिहार की जनता ने हमेशा संघर्ष और सेवा के रूप में पप्पू यादव को पुत्रवत चुना है। यह मेरा सौभाग्य है, मेरे पार्टी का सौभाग्य है। हमें गर्व है अपने कार्यों पर, अपने साथियों पर और बिहार की जनता पर कि हमें 8वां स्थापना दिवस को सेवा, संघर्ष और न्याय के लिए ऊर्जा से आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।